क्वेश्चन आंसर में है, इज देयर एनी एम ए बी एड ड्यूल डिग्री कोर्स? अभी तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी या एनसीटी ने जो लंबी लिस्ट तो दी हुई है, लेकिन अभी तो बी एड इंटीग्रेटेड जो है आई टेप है ना, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, वो पंजाब में सिर्फ दो इंस्टीट्यूट को मिले हैं, बाकी सभी को रिजेक्ट हो गए हैं, और सिर्फ इस बार गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और जो गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटीज़ हैं वही अप्लाई, इवन एडेड कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो अभी तक ये ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है ना, जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है उनको एक दो साल के लिए 2026 तक जो एक्सटेंशन मिली है उनको ट्रांजिशन पीरियड में रखा गया है। ट्रांजिशन पीरियड में के बाद 2026 में उनकी इंस्पेक्शन होनी है नए क्राइटेरिया के मुताबिक, अगर वो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए तो उनको कंटिन्यू रखा जाएगा, ऐसे बोला जाता है। करप्ट कंट्री है तो आपको पता है क्या कहाँ कभी भी हो सकता है, तो ये अभी नहीं, पंजाब में नहीं चल रहा। प्लीज़ सर, बी एड पोलिटिकल साइंस GNDU का वीडियो, हाँ बन जाएंगे, सभी बन जाएंगे, सभी बन जाएंगे। मेन काम मेरा ये नहीं है, मेन काम कोई और था, रह गया है। सर बी एड में परसेंटेज मैटर करता है या नहीं? अगर येस, हाउ मच परसेंटेज इज़ गुड फॉर गवर्नमेंट जॉब? प्लीज़ गाइड मी, आई एम स्टूडेंट ऑफ GNDU। सर देखिए, मैंने एक वीडियो में बताया भी है डिटेल में, जब मेरिट बनती है आपको ये 2015 में TET का जो स्कोर था है ना, उसको मान लीजिए आपका 100 स्कोर है, उसको और सिलेक्शन टेस्ट ST लिखा है उसको मान लीजिए वो 110 है, इनको 2015 में कंबाइन करके मेरिट लिस्ट बनी थी। 2022 में जो बाद में पोस्ट आई हैं उनमें सिर्फ सिलेक्शन टेस्ट है, सिलेक्शन टेस्ट TET भी शामिल नहीं किया गया, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि TET शामिल करनी है। अगर कोई बच्चा टाई कर जाता है, फॉर एग्जांपल एक बच्चे के 110, दूसरे के 110, 110 ऐसे 10 जनों के आ जाते हैं, तो टाई कैसे तोड़नी है? तो उसके लिए सबसे पहला क्राइटेरिया एज है, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद आपके BA के ग्रेजुएशन के ये मोटा मोटा करके लिख रहा हूँ, ग्रेजुएशन के स्कोर जिसके ज़्यादा है, अगर एज भी मिल गई, आप सोचो अभी तक किसी की एज मिली है, किसी का बर्थडे सेम और सेम स्कोर आ गया हो, बहुत ही रेयर चांसेस हैं, अगर हैं तो ग्रेजुएशन, इट मीन्स 0.0001% ग्रेजुएशन की मेरिट है। और BEd को तो बस कोई भी नहीं, कहीं भी इसके स्कोर नहीं ऐड होने, तो उसके ऐड हो सकते हैं TET के और सिलेक्शन टेस्ट के, एज के या ग्रेजुएशन के, थोड़े से BEd के कहीं भी स्कोर ऐड नहीं होते, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। सर मैं हिस्ट्री का एडिशनल देना है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, तो मैं BEd कर रही पटियाला यूनिवर्सिटी, तो मैं सिर्फ प्रोसेसिंग फीस, अच्छा अपनी गल हो चुकी है, ये तुसी देखो उत्थे विशाल सर बड़े अच्छे ने, जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है उत्थे जाके तुसी इन्हां ने कैफे तो फॉर्म फिल करवाया सी, जे ऑप्शन कोई गलत चूज कर ली है तो नैचुरली फीस उहदे मुताबिक लग जानी है, इन्हां दी एक्चुअली कट लगी है, बाकी इन्हां दीआं फ्रेंड्स सी उन्हां दी ज़्यादा, ये फोन ते गल हो चुकी है, उन्हां दी फीस ज़्यादा लगी है। जे कोई भी अजिहा जो तुहाडी टेंशन का कारण बनता है, उस यूट्यूब वीडियो के थले तीन जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे इनक्वायरी दे नंबर दिते हुए ने, बड़े अच्छे ने, गाइड करते हैं, बिजी होंगे ने नो डाउट, लेकिन वो तो तुम गाइड करते हैं, दसते ने कि किन्नी फीस लगनी सी, तुसी अपना केस टू द पॉइंट, सत श्री अकाल भी ना बुलाओ, नमस्ते ना करो, गुड मॉर्निंग ना करो, सीधा काम दसो और उदा जवाब लो, पहला तो सोच के रखो मैं की फोन करन लगे बोलना, उन्हों का टाइम वेस्ट ना करो है ना, काफ़ी टफ जॉब उन्हों की होंगी पब्लिक डीलिंग वाली, सो उतों तुम पता कर सकते हो, सीधा फोन तुम्हें दे दिता है, गल हो चुकी है, उतों वेरीफाई कर सकते हो जो कोई गलती है। अगे है जी, साडे कोल एडिशनल पेपर कब देने होते हैं? देखिए एडिशनल पेपर आप BEd के पहले भी दे सकते हो, BA क्यों हुई है आपको पता लगा कि BEd करनी है, उसके लिए मैंने एलिजिबल बनना है, जनरल इंग्लिश पढ़ी है, जनरल इलेक्टिव इंग्लिश देना है, कोई भी है वो दे सकते हो, ड्यूरिंग भी दे सकते हो, ड्यूरिंग क्लैश हो सकता है, क्लैश हो तो BEd का पेपर छोड़ देना है, BEd का पेपर छोड़ते हैं, ये बार बार आ रहे हैं क्वेश्चन, ये देखिए सोल्यूशन सारे डिस्कस कैसे करने हैं,
बीएड है और बीए है, आपने एडिशनल फिल कर दिया, कब ये सेमेस्टर वन है, सेमेस्टर टू है, सेमेस्टर थ्री है, सेमेस्टर फोर है, सेमेस्टर वन में करें या अप्लाई या थर्ड में करें, थर्ड में टीचिंग प्रैक्टिस होती है, कोई थ्योरी पेपर नहीं होता, क्लैश नहीं होता। इट मीन्स अगर फर्स्ट में क्लैश होता है तो आप बीएड को ड्रॉप कांटा कर दिया करते हो और बीए अपनी कंप्लीट कर ली, जो एडिशनल था, ये एडिशनल मैंने लिख दिया एडिशनल, तो ये वाला पेपर आप यहाँ पर जाके दे सकते हो, यहाँ क्लैश पेपर ही नहीं है और क्लैश होगा ही नहीं, है ना। अगर यहाँ होता है आपका क्लैश तो ये आप फोर्थ में देने की संभावना है। अगर आप थर्ड फोर्थ में फिल करते हो, मान लीजिए क्लैश आ गया यहाँ पर, थर्ड में नहीं आया, मान लो चौथे में आ गया, तो फिर आपका सिक्स्थ में बीएड के 2 साल बाद आपको करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में रिस्क उस पर तरफ ज़्यादा है, फर्स्ट सेकंड में बेस्ट है। हाँ, तीसरा उत्तर आपका है कि आप बीएड करने के बाद भी बीए का दे सकते हो, कभी भी दे सकते हो, ये आप कहीं इंस्पिरेशन या गोल है कि आपने कब एलिजिबल बनना है। ठीक सर, आप गलत बोल रहे हो, पंजाब में होता होगा ऐसे, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता। कैसा नहीं होता, बहुत से लोग जिन्होंने पेडागोजी ऑफ लाइफ साइंस और पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस से टीजीटी निकाला है सेंट्रल जॉब में, पहली बात है कि ये पंजाब की बात हो रही है, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर उन्होंने निकाला है, है ना, तो मैंने ये कहा है कि साइंस आपको सेव करती है, पंजाब वाले लोग सेंट्रल और दूसरी जॉब में बहुत ज़्यादा कम जाते हैं। अगर मैंने ये स्कोर बता दिया और NCTE की गाइडलाइन के मुताबिक बता दिया, और ये अगर साइंस देते हैं तो TGT आपका, ये देखिए ध्यान से अपने आंसर को देख लेना, TGT आप 100% क्लियर हो। ये बात होती है, गवर्नमेंट चेंज होती है, रूल चेंज हो जाते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को सिक्योर रखना चाहते हो, उस एलिजिबिलिटी को पूरा कर लो जो आपको रिस्क में ना रखे। अगर आप साइंस से करते हो तो TGT 100% है, तो आप जो कह रहे हो कि वहां ऐसे होता है या सेंट्रल में होता है, तो 100% नहीं हुआ, तो क्योंकि पंजाब में 0 है, कोई किसी की नहीं हुई, तो यहाँ 100 है, यहाँ 0 है। इट मीन्स हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। इट मीन्स अगर आपने लाइफ साइंस की हुई है तो आपको एडिशनल साइंस का दे देना चाहिए। अगर आपने साइंस का दिया है, MSc बायो की आपकी है, तो आपको एडिशनल लाइफ साइंस दे देना चाहिए। आपको दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए, कहीं भी कभी भी किसी गवर्नमेंट के द्वारा भी कोई भी रूल चेंज किया जा सकता है। हाँ, 22 में इतने रूल पंजाब में चेंज, आप 45% तक जो जनरल की जो एलिजिबिलिटी बन गई, है ना। तो मेरी वीडियो का पर्पस होता है आपने मैक्सिमम के लिए तैयार रहना है, आपने मिनिमम के लिए तैयार नहीं होना। करिकुलम जैसे मिनिमम होता है और हम उसके आगे नहीं जाते, लाइफ भी आपको जो है, हम मैक्सिमम के लिए तैयार नहीं होते। आप अपने आप से पूछ के देखो कि आप जिंदगी की हर घटना से, अगर आप एजुकेटेड हो, है ना, अपने दोस्तों से प्यारों से पूछो कि आप जिंदगी की हर अनसर्टनटी से निपटने के लिए तैयार हो, फिर आप एजुकेटेड हो। तो हम तैयार नहीं हैं, यहाँ पर हर अनसर्टनटी के लिए तैयारी के लिए हर प्रॉबेबल जो है गाइडेंस देने की कोशिश मैं करता हूँ। हाँ, मैं गलत हो सकता हूँ, बहुत सारे हैं, तो आप उसका कोई एविडेंस भेजिए, मैं ये भी शेयर कर दूंगा कि यार ऐसे होता है इस ईयर में, तब वो ईयर भी बताना होगा, ये 2015 में ऐसा हुआ था, इस गवर्नमेंट में हुआ था, इसने पोस्ट निकाली थी, ये वाली पोस्ट थी, इस स्कूल के लिए थी, वो आप बताइए मुझे, तो वो मैं शेयर कर दूंगा। आपका थैंक यू होगा, मैं ये री इवेलुएट भी कर लूँगा कि कौन सी पोस्ट है टीचिंग ऑफ साइंस के लिए निकली है। सर, आई हैव डन BSc मेडिकल एंड PG इन केमिस्ट्री, काइंडली टेल मी द बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आपका पर्पज़ नहीं ना आपने बताया, मेरे ख्याल में अब तो ये क्वेश्चन है कि एडिशनल PC एडिशनल पेपर में BEd के में PCP लगते हैं, PCP जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है उसके टर्म है, वहाँ लगते होते हैं, यहाँ PCP नहीं लगते। आपका बीएड में नॉर्मली होता क्या है, अगर आपके सेमेस्टर सिस्टम में है
तो आपकी 15 वीक की प्रैक्टिस होती है, टीचिंग प्रैक्टिस होती है, वो थर्ड जो है सेम में होती है ना। कई जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है वो फर्स्ट और थर्ड की इकट्ठे करवा देते हैं बीएड एडिशनल वालों को। अगर एनुअल में है तो ये कम होती है। दूसरा है कि 1 मंथ की जो है थ्योरी क्लासेस आपने अटेंड करनी होती है, लेकिन सारे कॉलेज मोस्टली, सारे तो नहीं कहूँगा, कोई अच्छा हो भी सकता है, वो लगाने को नहीं कहते, जस्ट आपको अपीयर होने के लिए कहते हैं, एग्ज़ाम में अपीयर हो जो, बाकी हो जाता है, सर्टिफिकेट बन जाता है। तो पीसीपी ऐसे नहीं लगती। सर माई सब्जेक्ट इज़ बीएससी एंड मैथमेटिक्स फिजिक्स कंप्यूटर साइंस, आई हैड डन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, व्हाट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन बीएड शुड आई टेक, मैथमेटिक विद इंग्लिश, शुड आई डू एडिशनल इंग्लिश सब्जेक्ट, सर प्लीज़ रिप्लाई। आपने बीएड में मेरे क्या लिया, पता नहीं है मुझे बीएड में आपने क्या लिया है, ये नहीं क्लियर हुआ। आप ये कह रहे हो कि इंग्लिश का देना चाहिए, आपने अगर ये पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, कंप्यूटर पढ़ा है, तो जनरल इंग्लिश पढ़ी है। अगर आपने पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लिया है बीएड में, तो आपको एडिशनल पेपर देना पड़ेगा इंग्लिश का, वो इंग्लिश जो है वो इलेक्टिव इंग्लिश का होगा। मैं ये बता दूं, क्योंकि बीच में ऑप्शन फिल करनी होती है, तब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होगे। तो ये आपने जैसे मैथ्स के साथ अगर फिजिकल साइंस ले लेते हो, तो फिजिक्स आपको फिजिक्स की या केमिस्ट्री की एमएससी करनी पड़ेगी, ये चाहिए। अगर आप कंप्यूटर लेते हो तो कोई एडिशनल नहीं देना पड़ेगा। अगर इंग्लिश लेते हो तो आपको एडिशनल इलेक्टिव का देना पड़ेगा। लेकिन जो है वही, ये आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो, ये टीजीटी के लिए, प्लस अगर एमएससी मैथ्स कर लेते हो पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। तो ये देख लीजिए आपने किसके लिए कम्पीट अच्छा कर सकते हो, एक पर फोकस करना बेटर होता है। सर सेम यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं एडिशनल, बिल्कुल सेम यूनिवर्सिटी से ही करना चाहिए, जहाँ से बीएड करे हो वहीं से ही करो, वहीं से होनी है, दूसरी का माइग्रेशन चाहिए आपका, नहीं कर सकते। सर प्लीज़ टेल मी, द कॉमर्स स्टूडेंट ने अगर बीएड टीचिंग ऑफ कॉमर्स, टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स में की हो, तो उसका एमए इकोनॉमिक्स करके टीचिंग में कैरियर बन सकता है, या फिर उसको एडिशनल पेपर देना चाहिए? ये एक ट्रेंड है, जो ये इकोनॉमिक्स प्लस 1-2 का सब्जेक्ट है, तो पीजीटी के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। पीजीटी के लिए जॉब्स, नंबर ऑफ जॉब कम होती हैं, वो शायद मैंने वीडियो निकाली भी है, नहीं तो निकाल दूँ, निकाली हुई हैं। तो नंबर ऑफ जॉब, और ये हो भी होता है कई बार इकोनॉमिक्स की नहीं आती, हिस्ट्री की आती, दूसरे सब्जेक्ट की आती है, 4-5 सब्जेक्ट आती है, इकोनॉमिक्स की कब बारी आएगी ये नहीं पता, दैट इज़ वाई। लेकिन एसएसटी का जहाँ हमें पता है कि जब भी आनी है एसएसटी की, इंग्लिश की, मैं 3-4 सब्जेक्ट लिखता हूँ, मैथ्स की है ना, ये मैक्सिमम, और पंजाबी हिंदी की, पंजाबी की है, हिंदी की भी लगा लो, लेकिन पंजाब में पंजाबी की हिंदी की कम है ना, ये कॉमन सब्जेक्ट हैं, हिंदी, मैथ, असल साइंस की, ये 5 सब्जेक्ट ये ज़्यादा आते हैं, दैट इज़ वाई एक इधर के लिए चले जाना चाहिए, कैरियर वहाँ है, वेट करनी पड़ सकती है, कई बार एज निकल जाती है, अभी तो आप छोटे से जवान हो अभी, मतलब एज है, पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कितनी वेट कर सकते हो। सर मेरी ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से है, मेरे बीएड केयूके से है, चल रही है, क्या मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एडिशनल पेपर दे, हाँ दे सकते हो, वहाँ का जो है पूछना पड़ेगा मुझे, लेकिन जहाँ से आप कर रहे हो मोस्टली यूनिवर्सिटीज अलाउ करती हैं, पर क्योंकि आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी से है या दूसरी स्टेट से हैं, फिर कोई प्रॉब्लम कई बार यूनिवर्सिटी मोस्टली रखती हैं, अगर वह अलाउ करते हैं तो आप कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता चलता तो आप मुझे फिर सर जैसे यूनिट 1 है उसमें 3 पार्ट हैं, अब ए बी सी, तो सर क्या हम ए और बी तैयार कर लें, रहने दे। अच्छा ये बातें मैं आपको थोड़ी देर ठहर के बताऊंगा, अभी आप जितना इजी है आप एक को फोकस करो, इसका आंसर मैं समझ गया आपका क्वेश्चन क्या है, कि दो दो तीन तीन है ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऐसे, कि ये यूनिट 1 है, मान लीजिए यूनिट 1 है और इसमें ए बी सी 3 पार्ट है, तो हम ये 2 वाले पार्ट कर लें, एक छोड़ दें। तो पहले आप क्या करो, जो आपको ईजी लगता है फंडामेंटल, वो जो भी लगता है, बेशक तीनों जो हैं पार्ट है ईजी जो लगता है, समझ, ईजी का मतलब क्या हुआ, ईजी का मतलब ऑपरेशनल डेफिनेशन, जो आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, समझ आ रही है, वो तो पहले पूरा करो, उसके बाद में अभी थोड़ी देर में
ये बातें करेंगे कि ये छोड़ सकते हैं, अब ये छोड़ सकते हैं। अभी शुरू में हो, अभी मैं इजी जो अंडरस्टैंडिंग पर जोर दूंगा, जब प्रॉब्लम आएगी फिर सारी गाइडेंस दूंगा, सब कुछ बताऊंगा। सर मैं बीएड दी एडमिशन करवाई सी 14 सितंबर नूं ते प्राइवेट कॉलेज विच, मैनू कॉलेज ठीक नहीं लग रहा सी, कुछ प्रॉब्लम रही सी। जदों मैं 21 सितंबर नूं उन्हां नाल गल कीती तां मैनू अपनी एडमिशन कैंसल करवाउणी, ते उन्होंने मैनू हुण मेरी फीस रिफंड नहीं कर रहे, प्लीज़ मैनू आप यूनिवर्सिटी को बता सकते हो। यूजीसी का नॉर्म्स होता है कितने दिन के अंदर अंदर जहाँ एडमिशन, क्योंकि हमारी लेट चलती है, तो आप बता सकते हो यूनिवर्सिटी को कि ये मेरी प्रॉब्लम है, काइंडली मैं क्योंकि आपका हक होता है कि कितने दिन के अंदर अंदर आप फीस रिफंड करवा सकते हो, इवन कहीं एडमिशन नहीं भी मिली तब भी, है ना। तो वो प्रोसीज़र होता है, उस प्रोसीज़र में आप वो 1,000 रुपया काट सकते हैं। तो और भी नुकते हैं, आप 8427485843 पर भाई एक बार बात कर लेना, बता दूंगा अगर और नुकते भी बता दूंगा। प्लीज़ सर बीएड पॉलिटिकल साइंस, जी हाँ जी जरा जी सारे बनेंगे। सुखमीत सर मैं बीएड एडिशनल इकोनॉमिक्स पीयूपी से करना चाहती हूँ, मुझे प्लीज़ प्रोवाइड सिलेबस। आप एडिशनल इकोनॉमिक्स का ये मैं सिलेबस अब कर, आप किस, आपने ये नहीं बताया पैडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स का कह रहे हो तो या इकोनॉमिक्स कह रहे हो, क्वेश्चन इसके लिए क्लियर करना पड़ेगा। रिकमेंडेड पीएससी की तैयारी लिख के किताब पढ़िए, वो दस रहे ने भी केड़ी किताब पढ़िए, एडवरटाइज कर रहे हैं मेरे चैनल पर, कोई गल नहीं। सर जेकर किसी ने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला च बी एड का मीडियम इंग्लिश फिल किया होया है तो कि वो पंजाबी मीडियम विच एग्जाम दे सकता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं होंगी? इहदा आंसर वक्रे तौर पर दसना बनता है, जो पंजाबी यूनिवर्सिटीज तुसी फस्ट ईयर विच पहली बार जो फॉर्म भरे जाते हैं उदों ही मीडियम भर दिता जाता है, उस तो बाद मीडियम चेंज नहीं रहिंदा, वो ही रहिंदा है। नॉर्मली कोई भी पेपर चैक करके नहीं देखता कि इस बच्चे ने किहड़े मीडियम विच पेपर दिते ने। तुहाडी जिहड़ी ए रिटर्न जांदी आ, रिटर्नस तो कट लिस्ट बनती, कट लिस्ट मीन कि तुहाडी सारी जानकारी दी स्क्रीनिंग कर ली जाती कि ये जानकारी तुसी फॉर्म विच फिल कीती हुई है। फॉर एग्जाम्पल मीडियम तुसी इंग्लिश फिल किया है तो फिर तुहाडे सर्टिफिकेट ते इंग्लिश ही आएगा, बेशक तुसी पंजाबी विच पेपर दिते हो। मान लो तुहाडे करैक्शन गलत मीडियम पर हो गया जां सर्टिफिकेट गलत, कोई इदां दी प्रॉब्लम इशू हो गया, उस इशू दे विच तुहाडा फिल किया होया मीडियम प्लस पेपर चैक किए जाते हैं। जे पेपर जिन्हां विच तुसी दिता है फिर वह मीडियम लिख दिता जाता है, फॉरन जिहड़ा स्टूडेंट जाना है उन्होंने इहदा ख्याल रखना पैंदा है। सो दे सकते हाँ, इंपीरिकली कोई चैक नहीं करता, इशू जदों हुंदा है उदों चैक हुंदा है, उदों तुसी असी ही अप्लाई करते हैं कि मेरी गलती है ठीक की जाए। सर प्लीज़ अपलोड द बुक्स विच राइटर, हाँ मैं कर देना। सर बी बी ए की हुई है मेरे ख्याल विच, हाँ ठीक चल रहे ने। सर बी बी ए की है जब मैं इंग्लिश कर रही हाँ, बी एड च केड़ी कंबीनेशन पी जी टी वास्ते, इंग्लिश एक सैम ही सी, मेरा इंट्रस्ट बहुत सी जी। तुसी तुहानू बी बी ए की है, तुसी किसी भी स्कूल सब्जेक्ट लिए एलिजिबल नहीं हो, तो इंग्लिश विच जे तुहाडा इंट्रस्ट ही एम ए इंग्लिश की हुई है, पैडागोजी ऑफ इंग्लिश ही लो और अडिशनल पेपर इंग्लिश का दे दौ, बेस्ट थोड़े लिए यही है। सर मेरे कोल बी एड विच एस एस टी पंजाबी कॉम्बीनेशन है, तो मेरी एम ए पोलीटिकल साइंस नाल है, मैं बी एड कोई अडिशनल पेपर तो नहीं देना पेगा पोलीटिकल साइंस लिए? जे तुसी एस एस टी ली है तो पोलीटिकल साइंस का तुहानू कोई फायदा नहीं है, तुहानू अडिशनल पेपर बी एड तो बाद देना पेगा, पैडागोजी ऑफ पोलीटिकल साइंस, पैडागोजी ऑफ पोलीटिकल साइंस पी ऑफ पोल साइंस, ये होएगा भी बी एड तो बाद, पहला नहीं होएगा। फिर तुसी पोलीटिकल साइंस लिए लैक्चरशिप लिए एलिजिबल हो जाओगे, इतने तुसी एस एस टी ना टी जी टी लिए एलिजिबल हो। सर कब से शुरू करवाएंगे आप सिलेबस अकॉर्डिंग टू स्टडी करवाना? मैं करवाता हूँ, मैं डीप चला गया हूँ कुछ पढ़ते पढ़ते, सॉरी। अच्छा कि आप ये कमेंट कर रहे हो, मेरे पर प्रेस पड़ेगा, मैं फिर उधर आऊँगा। सर बुक दस दो पंजाबी मीडियम वाले ने, हाई करदा करदा करदा, ये सारी वीडियो अलग बनेगी। सर काइंडली शेयर योर ईमेल और आईडी 8427485843, मैंने ये tirathsingh@hotmail.com, ये हो गया आपका, मेरे ख्याल में काफ़ी है।
सर लेट मी नो द स्टूडेंट फ्रॉम अदर स्टेट लिविंग इन पंजाब कैन आल्सो फिल एडिशनल सब्जेक्ट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाबी यूनिवर्सिटी पर. आपने पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ पटियाला लिखा है, गड़बड़ हो गई है. देखो जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वहाँ आप कर सकते हो. पंजाबी यूनिवर्सिटी का अगर आपने बेशक रहते बाहर थे लेकिन अगर पंजाब की यूनिवर्सिटी से की है, बेशक प्राइवेट से की है, तो आप पटियाला यूनिवर्सिटी में कर सकते हो. अदरवाइज पंजाब यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा. पंजाब यूनिवर्सिटी सारे इंडिया के स्टूडेंट को अलाउ करती है लेकिन वो इंग्लिश लैंग्वेजेस का ही लेते हैं, और किसी भाषा का एडिशनल पेपर नहीं लेते हैं. सर 21st सेंचुरी बुक्स ठीक है, दस दो में रज देखनिया है किड़े सब्जेक्ट ली, ये भी दस दंगा. थोड़े टीचर दस देनी है आप, मैं मटीरियल एडिशनल ही कराना. वैसे गुड इवनिंग सर, आई नीड योर हेल्प, आई हैव डन मैं बीएससी सीएमसी कंप्यूटर स्टैटिस्टिक एंड मैथ. ओके ठीक है, आई वांट टू बी हियर, प्लीज़ हेल्प मी, व्हाट सब्जेक्ट शुड आई चूज. आप कहाँ से कर रहे हो भाई ये कंप्यूटर स्टैटिस्टिक्स मैथ? आई वांट टू डू बीएड इन दिस ईयर, प्लीज़ हेल्प मी दैट व्हाट सब्जेक्ट शुड आई चूज ए मेजर एंड माइनर हेल्प प्लीज़. ये रहा आपका जो मैथ्स आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, स्टैट्स उसका भाई बहन भी पढ़ा हुआ है, मेजर सब्जेक्ट यही लीजिए. माइनर आप ये देखिए कि मैथ्स के साथ कंप्यूटर भी मिलता है. कंप्यूटर आप TGT के लिए हो गए, जॉब इसकी कम होती है. मैथ्स इसलिए बेस्ट है कि आप TGT के लिए भी एलिजिबल हो, प्लस अगर MA मैथ्स MSc मैथ्स करते हो तो आप PGT के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो. मेजर आपको मैथ्स ही लेना चाहिए. तो कंप्यूटर करते हो, कोई एडिशनल पेपर नहीं देना पड़ेगा. अगर आप सोच रहे हो कि ज़्यादा जॉब जिसकी निकलती है ना, तो फिर आप इंग्लिश पंजाबी का एडिशनल पेपर दे के पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश या पंजाबी ले सकते हो, है ना. ये आपको डिसाइड करना है कि आपने ये कम जॉब जिसकी निकलती हैं उस तरफ जाना है, ज़्यादा जॉब जिसकी निकलती हैं उस तरफ जाना है. उसके बेस पर आपको सब्जेक्ट डिसाइड करना होगा. ETT का एंट्रेंस है अभी तक कोई नहीं है, कोर्ट केस चल रहा है, दैट इज़ वाई सब पीछे लगा हुआ है. डिसीजन जब आएगा, सब कुछ कोर्ट के डिसीजन पर ही निर्भर कर रहा है. सर मैंने शिफ्टिंग नू लई प्रॉब्लम आ रही है कि दस दो, मेरे ख्याल हो ये तो लेट है, हूँ तो सब कुछ हो चुका है, शिफ्टिंग करा सकते सी हर हालत. सर असं किन्ने एडिशनल पेपर दे सकते हैं? BA दे दो पेपर दे सकते हैं. देखो तीन हैंडल नहीं होने, क्लैश हो जाएगा, है ना, कि एक टाइम ते दो या तीन एडिशनल पेपर सेम फीस च दे सकते हैं. मेरे ख्याल सेम फीस नहीं होगी. तुम मैंने यूनिवर्सिटी दसो जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है, मैं पूछदांगा. फीस तो हर पेपर की वक्खी लगेगी. फीस कादी लगती है? क्योंकि उसका पेपर कंडक्ट करन लई ह्यूमन रिसोर्स लगने हैं. उसके पेपर नूं इवैल्यूएट करन लई अलग तो टीचर ने उस नूं इवैल्यूएट करना है, क्लैरिकल वर्क होना है, इसलिए उसकी मेहनत दे वो पेपर ले जाते कंडक्ट करन दे, इसलिए अलग ही होएगी. दूसरा थैंक यू सर. BA एडिशनल इकोनॉमिक्स PUP का न्यू सिलेबस बारे मेरे ख्याल हो गई ने काफ़ी ने. थैंक यू. नहीं 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 इतने जाना है, इधर आए सी.